वेरी गुड इवनिंग गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। कल आठम थी तो हम लोग गए थे मंदिर, और यस ये नया व्लॉग है और आज ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कि इसके दूसरे दिन तो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दे दूँगी। अभी यहाँ से हम लोगों ने माता जी को मतलब मंदिर में लगाने के लिए फूल हार लिया और दैनिस को मैं दे रही थी, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हमारी सिटी में अगर बात करूँ ना तो ये माता जी आशापुरी माता जी का मंदिर बहुत फेमस है। आठम के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है और बहुत ज़्यादा रस होता है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर ना गाइस ये इस तरह की लाइट मिल रही थी, तो मैंने यहाँ से लाइट भी ली थी, आप लोग देख सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर मैंने ली थी। ये दिवाली भी आ रही है तो बहुत अच्छी थी। हाँ 100 रुपीज़ में वो भैया 2 बॉटल दे रहे थे और 1 बॉटल का वो 80 रुपीज़ बोल रहे थे, तो कुछ इस तरह का प्राइस था। तो फिर मैंने 2 बॉटल ले ली। डेनिस को भी बहुत पसंद आई। अभी इसके बाद ना ये इसको घेरिया बोलते हैं हम लोग। अभी एक बार आप म्यूज़िक सुनो। तो इसको हम लोग गुजरात में घेर बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के वहाँ ऐसा कुछ होता होगा या नहीं। इसके मंदिर के सामने ही, माता जी के मंदिर के सामने ही ये घेर ये लोग गा रहे थे। इसको घेर गाना बोलते हैं। और दिवाली के टाइम ना घर घर ये लोग आते हैं घेर गाने के लिए, सबके घर आते हैं, तो एक फेस्टिवल की तरह ही मतलब ये होता है। और दिवाली आ रही है, नवरात्रि से ही ये लोग घेर गाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे हमारे नवसारी में। सो हम लोग यहाँ पे अभी दर्शन के लिए जा रहे थे मंदिर में, और हम लोग यही बातचीत कर रहे थे कि आज तो बहुत ज़्यादा रस है। हम लोग हर साल आठम के दिन आते ही हैं यहाँ पे, ये आशापुरी माता जी के मंदिर। तो इस बार वैसे कोविड की वजह से पिछले 2 साल इतना रस नहीं था, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही रस था। और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, तो फिर भी हमारा बहुत अच्छा दर्शन हो गया था। भीड़ थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। हाँ तो आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हवन भी होता है, बहुत बड़ा हवन होता है जितने में। मैं आप लोगों को भी वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए थे तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ली। चलिए अभी मैं आप लोगों को जो मेन गेट है ना माता जी का वो दिखाती हूँ। सो ये है माता जी का मंदिर, आशापुरी माता जी का मंदिर। और ये 8वां नौरता था, उस दिन का क्लिप है, और आज 9वां नौरता है। तो आज ही ये व्लॉग अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ सुबह मॉर्निंग में ही, तो आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा। सो ये आप लोग देख सकते हैं ना, ये हवन है, तो इतना बड़ा हवन होता है यहाँ पर। ये तो कुछ नहीं, आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कि सोसाइटी में किस तरह से, मेरी सोसाइटी में किस तरह से गरबा खेलते हैं, और बाकी सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत कुछ अलग दिखाने, मतलब आज का व्लॉग ही थोड़ा डिफरेंट है। बाहर ही मैंने, मैं आप लोगों को अपनी घर की रूटीन ही शेयर करती हूँ ना, तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा बाहर शूट किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अक्सर अपनी किचन वाली रूटीन, अपनी क्लीनिंग वॉशिंग वाली रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। अभी मैं और डेनिस दर्शन कर लिए थे, हम लोग अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, तो आगे आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे ना गाइस हम लोगों को ना किन्नर मिल गए थे, तो वो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया हम दोनों को ही कि जब तुझे पहला लड़का ही होगा। फिर डेनिस बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों को लड़का नहीं लड़की चाहिए, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम बताया। हाँ हम दोनों की मतलब थोड़ी बहुत मतलब वो है कि लड़की हो तो बहुत अच्छा होगा, बाकी लड़का लड़की सेम ही है हम दोनों के लिए, जो भी ऊपर वाला दे, हेल्दी हो स्वस्थ हो, बस यही है। इसके बाद हम लोग सीधा आ गए थे अपने स्ट्रीट फूड पे। ये नवसारी का हमारी सिटी में जो मतलब है ना वो फेमस है ये स्ट्रीट फूड नवसारी लुनसी कुई। तो अगर हम लोगों को स्ट्रीट फूड वगैरह खाने को मन करता है ना, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। हम लोगों ने चटनी पूरी खाई थी, दही पूरी खाई थी, तो मुझे आजकल ऐसा ही कुछ चटपटा खाने का मन करता है, इसलिए फिर हम लोग डेनिस मुझे यहाँ पे ले आए। और वैसे मैदा वगैरह खाने से बेहतर ये तो मतलब अच्छा है। तो हम लोगों ने 3 प्लेट ली थी चटनी पूरी दही पूरी, पेट भर के हम लोगों ने खाया था। अभी इसके बाद ये दही पूरी मंगवाई थी हम लोगों ने, तो आप देख सकते हैं 3 प्लेट हम लोगों ने खाई थी। इसके बाद पानी पूरी ली, पानी पूरी खाने के बाद हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, फिर आ गए सीधा घर पे, तो पेट भी फुल हो गया था।
खाने का कुछ मन नहीं था घर पे, ऑलरेडी हम लोग बना के गए थे दाल चावल, लेकिन अभी वो तो नहीं खाए। मैं घर पे आ गई हूँ, डेनिस को नीचे कोई उनके फ्रेंड मिल गए थे तो वो नीचे ही रुक गए। लाइट ऑन करते हैं और पहले पानी पीते हैं क्योंकि मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। पता नहीं क्यों आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन किया था। वैसे मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग नहीं होती है प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन आज हम लोग आइसक्रीम खा के आए। पहले आप लोगों ने देखा चटनी पूरी खाई, चाट खाई हम लोगों ने, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने हैंड वॉश कर रही हूँ। आइसक्रीम खाई थी ना तो पूरा हाथ गंदा खराब हो गया। हम लोग ऑलरेडी दाल चावल बना के गए थे लेकिन अभी दोनों का पेट फूल है, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर भूख लगेगी तो थोड़ी देर के बाद हम दाल चावल खाएंगे, वरना फिर देखेंगे सुबह चल जाएगा। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया हमारा। आज आठम थी ना तो गाइस हमारे यहाँ ये आशापुरी माता जी का मंदिर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेला भी लगता है और हवन भी होता है दोपहर में। हाँ दोपहर में ही हवन होता है और पूरी रात चलता है, आप लोगों ने देखा ही होगा शायद, मैंने क्लिप ली है। बहुत बड़ा हवन होता है हाँ यहाँ पे आशापुरी माता की मंदिर में। बहुत भीड़ थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, अब जाके थोड़ी शांति मिली। पानी पिया तो मुझे ना कुछ मतलब ठंडा पीने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने आइसक्रीम खाई, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत टाइम से नहीं पिया। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स मैं अवॉइड ही करती हूँ और पता नहीं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तो डेनिस ने बिल्कुल भी मना कर दिया, तो फिर ऐसे ही हम लोग आ गए। कि मैंने भी नहीं मतलब फोर्स किया क्योंकि वैसे भी अच्छा नहीं है अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब प्रेगनेंसी में लेने पीने के लिए। कभी कभी चलता है सोडा वगैरह तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन जितना हो सके इतना अवॉइड करती हूँ। दूध भी आ गया मेरा, वैसे दूध वाले अंकल को मैंने कॉल करके बता दिया था तो बाजू में जो हमारे नेबर है ना उनको भी देखे गए थे। चलिए दूध पहले गर्म कर लेते हैं। पता नहीं मतलब विंटर स्टार्ट होने वाला है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी सीजन चल रही है, विंटर स्टार्ट हो रहा है या फिर गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली, क्योंकि गुजरात में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो गया है और आप लोग देख सकते हैं क्या हालत हो गई। तभी इसको मुझे गैस को साफ करना पड़ेगा और इससे पहले दीपिका आई है, गाइस आप लोग मिल लो। सो नवरात्रि चल रही है, मैं तो नहीं जा रही हूँ, मतलब देखने के लिए मैं जाती हूँ लेकिन खेल तो नहीं रही हूँ अभी। तो मैं अभी दीपिका को तैयार करने वाली हूँ, थोड़ा मेकअप वगैरह करके प्रेजेंटेबल दिखे, और दीपिका को पसंद है मैं इसका मेकअप करती हूँ तो, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे वीडियोज़ वगैरह देखती रहती है। सो मैंने बोला फेस वॉश कर लो फिर मैं तुझे बस रेडी करके देती हूँ। तो चलिए अभी मैं दीपिका को रेडी कर लेती हूँ, आप लोगों को मैं दिखा दूँगी इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी दीपिका को, वैसे इतना हैवी मेकअप नहीं करूँगी, वैसे इसकी एज भी इतनी नहीं है तो बच्चों के हिसाब से ही जो बेसिक मेकअप होता है वो ही करूँगी, लिपस्टिक थोड़ा आई मेकअप कर दूँगी क्योंकि नवरात्रि है तो थोड़ा सा मतलब नवरात्रि आउटफिट के साथ थोड़ा मेकअप अगर हैवी हो तो ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं रेडी कर दूँगी और दीपिका को पसंद भी आया था। इसके बाद मैं आज आप लोगों को लेके चलूँगी नीचे गरबा देखने के लिए, मैं भी गरबा देखने के लिए जा रही हूँ क्योंकि आज आठवां दिन है। आज कैसे मतलब नवरात्रि निकल गई पता ही नहीं चला, आठ दिन कैसे निकल गए, अभी दो दिन बाकी है। गाइस दीपिका फाइनली रेडी है तो चलिए मिलवाती हूँ। दीपिका फाइनल लुक तुझे कैसा लगा, मतलब पसंद आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। और गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि मैंने दीपिका को कैसे रेडी किया। ये है इसका फुल लुक, रुके बैक कैमरे से आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके आउटफिट के हिसाब से ब्लू एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ आई मेकअप किया था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये है इसका फुल लुक, इसने कुछ धोती पहनी थी और इसके साथ ऊपर कोई क्रॉप टॉप पहना था। सच बताऊँ ना तो ये सब देख के मेरा बहुत मन करता है, मुझे बहुत ज़्यादा गरबा खेलना पसंद है और इस तरह से डेली नवरात्रि के 10 दिन
डिफरेंट डिफरेंट लहंगा चोली पहन के गरबा खेलने के लिए जाना, ये सब इस बार मैंने बहुत मिस किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर बेबी के साथ पक्का हम करेंगे गरबा खेलने के लिए। और मैं भी आज 8 मार्च हूँ, मैं भी देखने के लिए नीचे ही जा रही हूँ। शायद मैं आप लोगों को आने के बाद मिलती हूँ, और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन आने के बाद दूध पी लूँगी। अभी मुझे गरबा मतलब देखने के लिए जाना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो चलिए मैं आप लोगों को आने के बाद मिलती हूँ, अगर हो पाए तो मैं नीचे आप लोगों के साथ मतलब थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, हमारे सोसाइटी में किस तरह से गरबा खेलते हैं और स्पेशली गुजरात में किस तरह से गरबा खेला जाता है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तुम चलते हैं। इसकी मम्मी का भी कब से कॉल आ रहा है, तो चलिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे सोसाइटी में, और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को भी गरबा खेलने का मन कर जाएगा अगर मैं म्यूज़िक ऑन करूँगी तो, लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए इस चक्कर में मैंने म्यूज़िक को गरबा को म्यूट किया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सुनो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तो मैं सुनाऊँगी। चलिए अब आप लोग थोड़ा एन्जॉय करो। है ना, सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे यार, मेरा भी बहुत मन कर रहा था गरबा खेलने का, लेकिन मुझे मतलब इतना कोई नहीं है, माता जी की कुछ अलग इच्छा है, माता जी की इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर हम इससे भी अच्छे अपने बेबी के साथ एंजॉय करें। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपनी घर वाली रूटीन, किचन वाली रूटीन नहीं दिखाई, कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश की। होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अभी और थोड़ा म्यूज़िक लगाती हूँ, थोड़ा आप लोग भी एंजॉय करो। मैं वही अपने डेली के पुराने कपड़े में चली गई थी, वैसे गरबा तो खेलना होता है नहीं, तो बहुत एंजॉय किया था, बहुत लेट भी हो गया था, नाश्ता वगैरह का भी प्रोग्राम था, डेली 2:30 बज गए थे हम लोगों को। ओके, तो आप लोगों ने देखा मैं गई थी नीचे सोसाइटी में ही, इतनी लाइटिंग कैसी आ रही है, तो बस अभी मैं सोने के लिए ही जा रही हूँ। और टाइम क्या हुआ है बताऊँ क्या आप लोगों को, रात के बजे हैं 2:30 बजने वाले हैं, 2:20 हुई हैं। चलिए फिर ये व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डेनिस भी अभी सोने के लिए चले गए हैं, वो तो कब के आ गए थे, आधा 1.25 घंटा हो गया है। और चलिए होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक के मत जाएगा, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इस बार मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, आप लोगों को ये क्या बताऊँ मैं, क्योंकि मुझे गरबा खेलना इतना ज़्यादा पसंद है ना, मेरा इतना मन कर रहा था ना गरबा खेलने का, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, नीचे इसलिए जाती ही नहीं हूँ। इतने दिन तो मैं गई नहीं, 1-2 दिन गई थी बीच में, क्योंकि मैं नीचे गरबा खेलने देखने के लिए भी जाती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं भी गरबा खेलूँ, लेकिन अभी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम, तो इसलिए फिर जो भी है नेक्स्ट ईयर पक्का बेबी के साथ खेलेंगे गरबा, राइट, मैं डेनिस और छोटा बेबी। सो इसी के साथ ये व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और आज का मतलब आज का दिन तो पता नहीं, लेकिन आज की शाम बहुत अच्छी रही, मंदिर गए, मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए। अभी मैं चल रही हूँ सोने के लिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।